डॉक्टर। यस। विजय कहाँ है? अभी अभी अपनी बहन को एडमिट करके गया है। बहन? हाँ, उसकी डिलीवरी होने वाली है, सीरियस है, ऑपरेशन होने वाला है। उस रूम में। थैंक यू डॉक्टर। चीफ सर्जन भीमा, ले चलो इन्हें, लेट्स गो फॉर ऑपरेशन। कौन हो तुम, ये क्या कर रहे हो? डॉक्टर, विजय आए तो उससे कह देना कि चित्रा को लेके मेरे पास आ जाए, नहीं तो उसकी बहन का ऑपरेशन मैं कर दूंगा, ठीक है? Let's go. सर में दर्द होता है। चुप। संभालो अपनी बेटी को, आज है तुम्हारी बेटी का और मेरा कोई रिश्ता नहीं, जा रहा हूं मैं। अरे दामाजी, दामाजी, एक मिनट, क्या हुआ क्या? देखो कल्याण सिंह, जिस तरह तुम एक नंबर के गुंडे हो, उसी तरह तुम्हारी बेटी एक नंबर की बातारू औरत है। चलो चलो, मैं मानता हूं कि मैं गुंडा हूं, लेकिन मेरी बेटी तो अच्छी है, आखिर हुआ क्या है? यह सवाल मुझसे नहीं कल्याण सिंह, अपनी बेटी से करो, वही तुम्हें बताएगी। देख बेटी, मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने ये शादी कर दी क्योंकि तू इससे प्यार करती थी। अब हुआ क्या है? पापा, इनको शक है कि मैं किसी और से प्यार। नहीं, नहीं बेटी, अरे मेरी बेटी तो अग्नि की तरह पवित्र है, लेकिन ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ? पापा, एक दिन हम दोनों मंदिर गए थे, जब मैं अकेली थी, एक लड़के ने आकर मुझसे ताजमहल का रास्ता पूछा। ताजमहल? हाँ, तो क्या हुआ? हो सकता है उसे ताजमहल का रास्ता नहीं पता था, इसलिए पूछा होगा। ऐसे एक बार नहीं हुआ, दो तीन बार हुआ। तो फिर क्या हुआ? सचमुच उसे ताजमहल का रास्ता मालूम नहीं होगा? फिर उस ताजमहल वाले लड़के की फोटो मेरी अलमारी में मिली पापा। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि तुम्हारी बेटी के उस लड़के के साथ में नाजायज ताल्लुकात थे। साफ समझ गया हूं, ये सारा नाटक तुम्हारे भाई का है। मेरे भाई का? हाँ,
नहले पे दहला मारने के लिए। देखो कल्याण सिंह, मेरे भाई को बीच में मत लाओ। और फिर मेरा भैया ऐसा क्यों करेंगे? बदला। बदला? हाँ। कैसा बदला? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नहीं बता सकते? हाँ। ठीक है, मैं जा रहा हूं। नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक वादा करना होगा आपको। मेरे गुनाहों की सजा मेरी बेटी को नहीं दोगे? हाँ। ठीक है, वादा किया। दरअसल मैं ही वो कमीना कुत्ता इंसान हूं जिसने तुम्हारी भोली भाली बहन की जिंदगी में जहर घोल दिया। वो ताजमहल वाला लड़का और कोई नहीं था, मेरा ही आदमी था। मैंने ही उससे कहा था कि वो बार बार तुम्हारी बहन से ताजमहल का रास्ता पूछे, ताकि अनिल को उस पर शक हो जाए। अनिल के शक को यकीन में बदलने के लिए मैंने ही उसकी फोटो तुम्हारी बहन की अलमारी में रखवाई थी। जैसे ही अनिल ने उस फोटो को देखा, वो गुस्से से पागल हो गया और उसने तुम्हारी बहन को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैंने तुमसे कहा था ना कल्याण सिंह, कि मैं तुम्हारे स्कूल में घुसकर अपनी बहन के आंचल में लगे दाग को तुमसे ही मिटवाऊंगा। कैसा रहा मेरा स्कूल? अब तुम अपना यह घटिया स्कूल बंद करके मेरे स्कूल में भर्ती हो जाओ। अच्छा, तो मेरी बेटी पर शक करना, इसे घर से बाहर निकालना, ये सब तुम लोगों का नाटक था? ये फरेब है, धोखा है। धोखा फरेब तो तूने किया है मेरे साथ। मेरी देवी जैसी पत्नी के खिलाफ मेरे दिल में शक का जहर फैलाकर अपनी अपनी मक्कारी और खुदगर्जी के लिए तू मेरी जिंदगी से खेल गया। लानत है तुझ पर। बेटे अनिल, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन इसमें तेरे मां बाप भी तो शामिल हैं। आपने ऐसा किया, मुझे शर्म आती है आपको अपना मां बाप कहते हुए। बेटे, आज से आपका मेरा रिश्ता टूट गया, मेरा और आपका रिश्ता। बेटे, विजय बेटा, ये क्या हो गया चाचा? इसकी फिक्र मत करो, बीमा अस्पताल से सुधा को उठा कर ले गया है, और उसे ये भी कहा है अगर तूने चित्रा को उसके हवाले नहीं किया तो वो सुधा को जान से मार देगा। ऊपर मत जाओ, नहीं तो बीमा सुधा को मार देगा, इसलिए हम अंदर नहीं गए। चित्रा, महारथी, अच्छा हुआ जो तुम चित्रा को साथ में ले आए। चित्रा को ऊपर लाओ, ऊपर, जल्दी, नहीं तो मैं ये रस्सा काट दूंगा। नहीं, चित्रा, आई लव यू।
बेटा, धीरे, धीरे बेटा, धीरे। चित्रा, चित्रा, I love you, चित्रा।